हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 9 के प्रश्नावली 10.2 की। इसमें सबसे पहले प्रश्नावली पे आने से पहले हम बात कर लेते हैं जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण। तो कल हमने पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, एक वृत्त है और वृत्त की एक जीवा है, ठीक है। तो ये जीवा किसी बिंदु पर जो कोण अंतरित करती है, उस कैसे पता चले कि इसके द्वारा क्या कोण बनाया गया है। तो होता क्या है कि जीवा जो है, जीवा के सिरों से कोई दो रेखाएं जाएं, रेखाखंड जिन्हें हम कहें, कहीं भी जाएं, मान लीजिए केंद्र तक जा रहे हैं एक सिरा, जैसे ये पी है, ये क्यू है, ठीक है। तो जीवा के एक सिरे से पी से एक रेखाखंड गया और जीवा के दूसरे सिरे क्यू से भी एक रेखाखंड गया, ठीक है। तो जीवा के दोनों सिरों से जाने वाले रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु पर जीवा द्वारा अंतरित कोण माना जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है पी क्यू और इसके सिरे से एक और इसके सिरे से एक गया और ये यहाँ मिल गए, इसका कोई भी आप नाम रख दें ए, तो जीवा द्वारा इस ए पर अंतरित कोण है ये, ठीक है। तो जो जीवा है वो एक वृत्त में केंद्र पर कोण अंतरित कर सकती है, तो इसको कहेंगे केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीवा की, तो देखिए ये मान लीजिए जीवा है, ठीक है। इस जीवा के दो सिरे हैं पी और क्यू, इस सिरे से एक रेखा गई इधर और इस सिरे से भी एक रेखा गई इधर। तो इस बिंदु पर ये जो बिंदु आया है, ये वृत्त की परिधि पर आया है, ठीक है। वृत्त की परिधि पर आया है, पी क्यू आर अगर मैं नाम देना चाहूँ, तो ये जो है वो जीवा द्वारा परिधि पर अंतरित कोण होगा, परिधि पर अंतरित कोण, ठीक है। तो हमने वृत्त में दो बातें देख ली, जो जीवा है वो इसके केंद्र पर भी कोण अंतरित कर सकती है, इसके साथ साथ जीवा जो है वो वृत्त की परिधि पर भी कोण अंतरित कर सकती है। इसके अलावा आप अगर देखना चाहेंगे तो जीवा, देखिए इधर देखिए, इस वाले चित्र में हम थोड़ा सा और देखें कि जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर कितने कोण बनाए जा सकते हैं। देखो ये जीवा है, ठीक है, पी क्यू, इसके एक सिरे से एक रेखाखंड और इधर से एक रेखाखंड, तो एक बन गया ये, ये इसके एक सिरे से एक सिरे से ये बी, सिरे से एक, फिर दूसरे सिरे से एक सी डी ई एफ। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एक जो जीवा है वो वृत्त की परिधि पर अनंत कोण अंतरित कर सकती है, ठीक है, अनंत कोण। ये बात समझ में आ रही है आपको? अनेक बिंदु हो सकते हैं, मैंने तो यहाँ लिए हैं, मान लो यहाँ 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 यहाँ, जीवा के एक सिरे पी से और दूसरे सिरे क्यू से जाने वाले दो रेखाखंड जिस बिंदु पर मिलेंगे वहाँ कोण अंतरित करेंगे। ये बिंदु अगर परिधि पे है तो परिधि पे कोण अंतरित करेंगे, अगर ये बिंदु केंद्र पे है तो केंद्र पर कोण अंतरित करेंगे, ठीक है। अब आपके प्रश्नावली से पहले एक प्रमेय दी हुई है, प्रमेय है वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं। ये याद करनी होगी, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, ये प्रमेय है, ठीक है। अब इसको अगर हम सिद्ध करना चाहें तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त बना लिया, वृत्त की दो जीवाएं हैं, मान लो एक जीवा ये ले ली मैंने पी क्यू और एक जीवा इधर से ले ली मैंने ए बी, दोनों की लंबाई बराबर मान लें क्योंकि वृत्त की बराबर जीवाएं हैं। ये है इसका केंद्र ओ, सबसे पहले पी क्यू से एक कोण अंतरित हुआ थीटा और ये भी एक कोण हो गया, ठीक है। अभी इसको हम नाम नहीं दे रहे। अब आपको दिया क्या है, दिया है आपको दिया है पी क्यू बराबर है ए बी,
प्रश्न यही तो है, वृत्त की बराबर जीवाएं, तो पी की और ए भी कैसी हैं, बराबर। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि ये जो कोण है पी ओ क्यू बराबर होगा ए ओ बी के, ये जो जीवाएं हैं इससे पी क्यू से जो वृत्त पे कोण बन रहा है और ए बी से जो वृत्त पे कोण बन रहा है, ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब आप देखिए उपपत्ति, दो त्रिभुज ले लेते हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे पी ओ क्यू तथा त्रिभुज ए ओ बी में। अब देखिए ध्यान से, पी क्यू बराबर ए बी, ये तो दिया हुआ है, दिया हुआ है प्रश्न में, ठीक है, पहले से ही पता है। इसके अलावा पी ओ जो है वो बराबर होगा ए ओ के, क्यों है, क्योंकि त्रिज्याएं हैं, देखो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इसी प्रकार ओ क्यू बराबर है ओ बी के, ये भी क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी त्रिज्याएं हैं। आपको दिख रहा है भुजा भुजा भुजा, तो एस 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 नियम से त्रिभुज पी ओ क्यू सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ बी के। ठीक है, देखिए पी पी क्यू बराबर ए बी हो गया, पी ओ बराबर ए ओ हो गया क्योंकि त्रिज्याएं हैं, ओ क्यू बराबर ओ बी हो गया क्योंकि ये भी त्रिज्याएं हैं। भुजा 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 मतलब एस एस नियम से क्या हो गया, त्रिभुज पी ओ क्यू बराबर हो गया त्रिभुज, सॉरी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए ओ बी के। जब भी दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं तो उनकी ये विशेषताएं होती हैं कि सभी अवयव आपस में बराबर होते हैं, सभी अवयव समान हो जाते हैं। ठीक है, जब भी दो त्रिभुज आपस में समान हो सर्वांगसम होते हैं तो उनकी ये विशेषता होती है कि उनके सभी अवयव जो हैं वो आपस में समान हो जाते हैं। सभी अवयव का मतलब होता है कि भुजाएं आपस में बराबर होंगी और कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कोण पी ओ क्यू है वो बराबर हो जाएगा ए ओ बी के, ये हमें सिद्ध करना था, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब इसी प्रमेय की एक विपरीत प्रमेय है, प्रमेय सेकंड अगर हम बात करें, वो क्या कहती है कि वृत्त की, एक वृत्त की जीवाएं यदि केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, तो वह लंबाई में समान होती हैं। देखिए पहली प्रमेय क्या थी, पहली प्रमेय थी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर, ये समान या बराबर कोण अंतरित करती हैं, मतलब अगर ये लंबाई में बराबर हैं तो कोण बराबर बनाएंगी। अगली प्रमेय क्या कहती है, अगली प्रमेय कह रही है कि यदि ये जो कोण है ये थीटा है और ये भी थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये आपस में ए बी बराबर पी क्यू होगा। ठीक है, अगली प्रमेय क्या कह रही है कि यदि दो जीवाएं जिनकी हमें नहीं पता बराबर हैं अथवा नहीं है, अगर वो केंद्र पर समान कोण बना रही हैं, मान लीजिए इसने बना दिया 60 का और इसने भी बना दिया 60 का, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ए बी और पी क्यू भी बराबर होंगी। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार पहली प्रमेय की तरह ही सिद्ध कर सकते हैं, दो त्रिभुज लेके और उनको सर्वांगसम करके। ठीक है, अगर आप चाहें देखिए मैं वापस से चित्र बना दूं, ये एक आपको बन गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि ये कोण जो है वो ये थीटा और ये भी थीटा ही है, ठीक है, और ये पी क्यू है और ये ए बी है। प्रश्न कह रहा है कि कोण पी ओ क्यू बराबर है कोण ए ओ बी के, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे सिद्ध करेंगे, आप वापस से त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज ए ओ बी लें। ठीक है, अब इनमें आपको पता है पी ओ बराबर है ए ओ के क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं,
आपको पता है ओ क्यू बराबर है ओ ए सॉरी ओ बी के, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी त्रिज्याएं हैं। इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, पी ओ क्यू बराबर दिया हुआ है ए ओ बी, ये क्या है, दिया है। अब आप समझिए भुजा कोण भुजा नियम से, भुजा कोण भुजा इसको कहते हैं एस ए एस नियम से, ये जो है पी ओ क्यू सर्वांगसम हो जाएगा ए ओ बी के, तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगी ए बी, ये हमको करना था सिद्ध। ठीक है, देखिए पी ओ बराबर है ए ओ के, ओ क्यू बराबर ओ बी के क्योंकि दोनों त्रिज्याएं हैं। अब पी ओ क्यू बराबर है ए ओ बी के क्योंकि ये दिया हुआ है समान कोण अंतरित करती हैं, तो ये भुजा कोण भुजा नियम एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, सर्वांगसम। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हमें पता है कि सर्वांगसमता में सभी अवयव समान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये जो पी क्यू है और ये जो ए बी है ये आपस में कैसी हो जाएंगी, बराबर, तो ये हो गया सिद्ध। ठीक है, तो ये जो दो प्रमेय हैं ये प्रश्नावली को आगे बढ़ने से पहले याद करनी पड़ेंगी। पहली प्रमेय वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, और दूसरी प्रमेय है एक वृत्त की जीवाएं यदि केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो वह लंबाई में समान होती हैं। दोनों प्रमेय एक दूसरे के विपरीत हैं। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 को हल करेंगे। धन्यवाद।